ओके सो वी आर लाइव नाउ. वेरी गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? दिस इज निशा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिजल्ट गुरु. हाउ आर यू ऑल? वेरी वेरी गुड इवनिंग. सो वी हैव शकुंतला, वेरी गुड इवनिंग. अ सिंपल बॉय, गणेश कुमार, वेरी वेरी गुड इवनिंग. रानी, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? राजेश, नेहा, पुनीत, प्रदीप, अंजू, अर्चना, बबीता, हैप्पी मैजिक किचन विद फैमिली, वेरी गुड इवनिंग. मोनू, रमा, प्रणाम मोनू, हाउ आर यू? प्रदीप, सिंपल बॉय, वेरी गुड इवनिंग. रश्मि, नीरज, प्रमोद, संजय, वैशाली, वेरी वेरी गुड इवनिंग. टीजीटी में आईजीटी, ठीक है, इसको मैं आपको कंफर्म करके कल बताती हूँ. बिल्कुल ठीक है जी, कल आपको बताते हैं. यश, रानी, वेरी गुड इवनिंग. संजय, ओके. ममता, शकुंतला, केसर, ओके ठीक है. यश, कल आपको एनवीएस का भी एक बता देंगे, बिकॉज एनवीएस का, और मैंने आपको बताया था कि वीएस की भी वैकेंसीज आई हैं. और आज मैंने थोड़ा सा देखा है, वहां पर 8251 वैकेंसीज के आसपास है. ठीक है, एक बार आप लोगों ने चेक कर लेना है. वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चैनल है वहां पर इसका एक पूरा वीडियो है, आप लोगों ने देख लेना है कि क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, सारा क्राइटेरिया जो है, फीस क्या है, सब कुछ आपको उसमें बताया गया है डिटेल से. ठीक है जी, ओके. निहारिका, आकांक्षा, आरती, प्रतिभा, मनीषा शर्मा, राधे राधे, हाउ आर यू? अभिषेका, विनय, आकांक्षा, ठीक है जी. एनबीएस के बारे में रानी कल या परसों देखते हैं, ठीक है. कल सैटरडे है, ठीक है, कल या परसों जो है आपको बीच में बता दिया जाएगा, ठीक है जी. ऋषि, शॉर्ट्स 45, वेरी वेरी गुड इवनिंग. आपका नाम भी भूल गया, आपका अपना नाम बताइए प्लीज. प्रमोद, सो वी हैव, ओके. आज हमारे पास दो रानी हैं, एक हमारे पास रानी नेपाल से हैं और दूसरी रानी वी हैं, ठीक है जी. वेरी वेरी गुड इवनिंग, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, वेलकम. और अंगद हैं, जैन हैं, ठीक है जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सॉरी मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ जी. चंदन, गीता, दिव्या, राजेश, अंगद, कोशिश कर रही हूँ लेकिन ठीक है जी. सीमा, वेरी गुड इवनिंग. मोदक, श्री कृष्णा, राधे राधे, ठीक है जी. तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे. आज का सेशन जो हमारा है, आपको पता है सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे ही गौथिक काल से वैसे ही सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और ये वो क्वेश्चन हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है. तो इसलिए करेंगे क्या, कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से कंटेंट समझाऊं पहले, उसी के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करें. आज की क्लास की बात करेंगे तो पश्चिमी कला में आज हमारी जर्नी पहुंच गई है पुनर्जागरणकालीन चित्रकला पर. बेसिकली बात करें तो इट्स नॉट ऑल अबाउट चित्रकला, यानी कि सिर्फ आर्ट की बात नहीं करेंगे. आर्ट में भी क्या है, हम स्थापत्य के बारे में भी बात करेंगे और मूर्तिकला के भी बारे में बात करेंगे कि पुनर्जागरण काल में कौन कौन जो इफेक्ट्स हैं उन्होंने इफेक्टेड किया किस किस को, चाहे चित्रकला की बात करें, स्थापत्य की बात करें यानी कि वास्तुकला की, या हम मूर्तिकला की बात करें, ठीक है. तो तीनों को जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारे विषय है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है जी. जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम लिंक आपके सामने दिया गया है, यहां से आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है जी. ये स्पेसिफिक जो हमारी शाम की क्लास है उसी का टेलीग्राम लिंक आपके सामने है. अभी मुझे किसी ने मैसेज किया था कि मैम जो सुबह वाली क्लास है उसका लिंक नहीं मिल पाता है, ठीक है. तो देखिए, उसका लिंक जो हरियाणा एग्जाम रिजल्ट गुरु पे चलती है सुबह की क्लास, उसका जो स्पेसिफिक उसका जो लिंक है वो आपको उसी क्लास में मिलेगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने एक बार चेक कर लेना है. और बिल्कुल एज इट इज, ऐसे ही क्लास के स्टार्टिंग में और एंड में भी मैं आपको जो है शेयर करती हूँ जो टेलीग्राम लिंक है, ठीक है. और मे बी आज भी आपको कुछ टेलीग्राम्स मिले होंगे, आज भी मैंने दोनों चैनल्स पे कुछ कुछ टेलीग्राम अपडेट किए हैं, ठीक है जी. तो यहाँ से आपने चेक कर लेना है. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है जी.
अगर बात करेंगे टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएस, आपको पता है सुबह 9 बजे से क्लासेस एकदम जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। 9 बजे से ज्योग्राफी की क्लास संजय सर लेते हैं, 10 बजे मलिक सर हिस्ट्री की क्लास लेते हैं, उसके बाद से प्रियंका मैम लाइव रहती हैं बायोलॉजी के लिए 11 बजे से, 12 बजे से अदिति मैम इंग्लिश के लिए लाइव रहती हैं, 1 बजे से पूनम मैम इकोनॉमिक्स के लिए, 2 बजे से रोहित सर फिजिक्स के लिए, और इसके साथ साथ 6 बजे से विप्लव सर साइकोलॉजी के लिए, 8 बजे हमारी क्लास आर्ट्स की लाइव रहती है, हमारे बाद 9 बजे से ज्ञानेंद्र सर मैथ्स की क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो पूरा टाइम शेड्यूल आपके सामने है। ठीक है जी, आज का सेशन आप फटाक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, देखिए बच्चे अभी पूरे ज्वाइन नहीं हुए हैं, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सारे महारथियों को पता चल जाए, और बाद में होते क्या कि मैम ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, तो स्टार्टिंग से चीजें समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी। जितनी अमृता शेरगिल हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, विकास भट्टाचार्य जी हैं, सबके साथ सेशन को शेयर कीजिए, सारे क्लास में पहुंचने चाहिए। ठीक है जी, चलिए प्रावतिक वाले कृपा शंकर, कृपा देखिए चैनल पे, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, चैनल पे इसका पूरा एक वीडियो पड़ा है, पूरा आप क्राइटेरिया वहां पर देख सकते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, और मुख्य रूप से किस किस को छूट दी गई है, किसको नहीं दी गई है, सब कुछ ठीक है, किस तरह का एग्जाम आने वाला है, कितने मार्क्स का है, कौन से फील्ड में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, एक एक चीज दी गई है, उसको आपने करना क्या है, एक बार अपने वीडियो चेक कर लेना है। ओके बबीता, आज पोएम सुना दीजिए। ठीक है रानी, एक बार पोएम शेयर करिए करिए, नहीं तो मुझे फिर दोबारा से वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सेशन को स्टार्ट करेंगे, और इसी के साथ आज जो है, आज मैं आपको बाद में, जब जैसे हमारा सेशन एंड होने वाला होगा, मैं आज आपको पोएम जो रानी ने लिखी है ये मैं जरूर आपको बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगी। ठीक है जी, बिल्कुल सुनाऊंगी। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, बात करेंगे पुनरुत्थान कला या पुनर्जागरण कालीन कला, ठीक, आर्ट ऑफ रेनेसे। अब अगर इसकी टाइमिंग की बात करेंगे तो 1400 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक का ये समय है जब ये जो कला है ये हमें देखने को मिलेगी। अब एक चीज आपने यहाँ पर समझनी है, जब भी हम टाइमिंग की बात करते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से जो पुनरुत्थान या पुनर्जागरण कला ये आंदोलन पूरा चला था, इसकी बात करेंगे तो ये 1300 ईस्वी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि मैम अगर ये यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है तो हम यही सन क्यों देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा ये क्यों गया है। ठीक है, मैं आपको पहले भी एक चीज समझाई है कि देखिए जब भी हम किसी कला, किसी सभ्यता या किसी भी ऐसी चीज की बात करेंगे जो फिजिकल है, या कला तो वैसे फिजिकल नहीं है लेकिन धरातल पर जब भी हमें कोई चीज दिखाई देती है हम उसको तभी से ही काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल बात की थी पैग ग्रुप की, कि भाई 1947 में ग्रुप बन गया था लेकिन रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, घोषणा पत्र जो है 1948 में आया है, तो इसीलिए हम उसका जो समय है 1948 ही मानते हैं। ठीक है, यानी कि ऑन पेपर हमें दिखाई दिया, कुछ तो चीजें हमें दिखाई दे रही है ना। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर बात करें कि भाई यहाँ पर चित्रों का बनना आरंभ हो गया था, कुछ कुछ कार्य होना यहाँ पर शुरू हो गया था कब, जब 13वीं ईस्वी जब आएगी तभी से कार्य आरंभ हो जाता है। लेकिन अभी क्या किया है, अभी हमने अपनी क्यारी में क्या है छोटे छोटे सिर्फ सीड्स बोए हैं, यानी कि अभी यहाँ पर क्या होगा, अभी हमें धरातल पर कार्य नहीं दिखाई दे रहा है, अभी पौधा बाहर नहीं निकला है। ठीक है, वो कब निकलेगा, इस समय निकलेगा। अब इस समय को भी हम मुख्य रूप से क्यों काउंट करते हैं थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। कल हमने बात की थी, इससे पहले जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया है वहां पर हमने बात की थी ज्योतियों के बारे में। ठीक है, हमने कहा था कि भाई इटली के ही कलाकार हैं, मुख्य रूप से गॉथिक जो चित्रकला थी उससे संबंधित उन्होंने चित्र बनाए हैं, तो उसी से संबंधित हम लोग जो है उनको चित्रकार जो है मानते हैं, किसको मानते हैं, ज्योतियों को मानते हैं। ठीक, अब इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही इसी समय पर क्या किया था, जो चित्र हैं यानी कि जो स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे गॉथिक एज की, बेंजटाइन की, या पूरे उस स्पेसिफिक मध्यकालीन कला की बात करें, उस समय हम लोग जानते हैं कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक धर्म से संबंधित चित्र बनना आरंभ हुए थे। ठीक है जी, अब हुआ क्या, इन्होंने स्पेसिफिक और सारे जो चित्रकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो ईसाई धर्म है उसी को केंद्र मानकर, जो उनकी विषय वस्तु रही उसी पर ही वो चित्र बना रहे थे। लेकिन ये वो पहले ज्योतियों की बात करें, ठीक है जी, ये वो पहले चित्रकार थे जिन्होंने क्या किया था,
जिन्होंने पहली बार जो है कुछ और भी टॉपिक्स उठाए थे, लेकिन इनको जो है हम लोग पुनरुत्थान कला के चित्रकार के रूप में नहीं जानते हैं, जबकि प्रारंभिक चित्र इन्होंने ही बना दिए हैं। क्यों? यानी कि अगर एक बात करें कि एक लेवल दिया गया था टॉपिक का कि भाई ईसाई धर्म इसके आगे और कुछ नहीं, चित्र बन रहे हैं उसी धर्म के बन रहे हैं, कार्य हो रहे हैं सिर्फ चर्च के अंदर हो रहे हैं, धर्म से संबंधित हो रहे हैं या सिर्फ राजदरबार में हो रहे हैं और किसी जगह पर नहीं दिखाई देंगे। इन्होंने वो पेंटिंग्स बनाना आरंभ कर दी थी, कुछ एक इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, ज्यादा संख्या में नहीं बनाई थी। मुख्य रूप से ये भी वही फॉलो करते आ रहे थे जो उस समय के चित्रकार करते आ रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें, यानी कि ये वो चित्रकार नहीं है जिन्होंने अभी झंडा उठाया है। अब इस पूरी क्लास के ड्यूरिंग अगर मैं ये बात करती हूँ कि किसी ने झंडा उठाया है, यानी कि क्रांतिकारी नहीं है जिन्होंने आंदोलन आरंभ किया है, इसीलिए हम सीधा सीधा इनको डिनाई कर देंगे कि भाई इनको हम नहीं जानते हैं, इन्होंने नहीं कहा कि हमें किसी और सब्जेक्ट पर भी चित्रों का निर्माण करना है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने चुपचाप कुछ चित्र बनाए, कहानी खत्म होगी, उनको उनके बारे में किसी को ज्यादा पता भी नहीं है। इसके बाद यानी कि अगर हम बात करेंगे पुनरुत्थान कला के बारे में, यहाँ के चित्रों के बारे में, वो चित्र मुख्य रूप से किसने बनाए हैं, इस समय पे किसने बनाए हैं, उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से कहानी समझ में आ गई। अब कैसे धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, कला का कैसे विकास होता जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम बात करें, अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम रानी के घर में हैं, अभी आप मेरे घर में आने वाले हैं। रानी कहाँ पर है जी? रानी नेपाल में है। मैं इस समय कहाँ पर हूँ? मैं लखनऊ में हूँ। कहाँ पर हूँ? लखनऊ में हूँ। और ये जो बात की जा रही है, जीतियों वाली जो बात की जा रही है, ये कहाँ है? ये गोरखपुर है हमारा। ठीक है, तो अभी कहानी सिर्फ यहाँ पहुंची है, अभी लखनऊ नहीं पहुंची है। ठीक है, अभी हमारी गाड़ी लखनऊ नहीं पहुंची है, लखनऊ की तरफ क्या है, ऑन द वे है, जब पहुंचेगी तो उसके बाद बात करेंगे। ठीक है जी, कहानी यहाँ से समझ में आ गई कैसे कैसे आगे बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो आज का सेशन देखिए, थोड़ी सी कहानी समझ में आ गई। रानी ने एक पोइम लिखी है, कल परसों भी उन्होंने शेयर की थी, सॉरी मैंने बाद में देखा था। हिमाचल में जन्मी है वो, अयोध्या से भी नाता, प्रेम भाव से सॉरी प्रेम भाव से शिक्षा देती वो है हमारी गुरु माता। निशा सिंह है नाम जिनका, प्यारी सी मुस्कान, सरलता से हमें पढ़ाती नहीं जरा भी अभिमान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शबनम। ठीक है, थैंक यू सो मच रानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बड़े अच्छे से मूड के साथ। ठीक शबनम, देखिए बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि जितना भी रिजल्ट गुरु चैनल है, जितने भी हमारे चैनल्स हैं, और आपको पता होना चाहिए जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, ये इंडिया का मोस्ट सबसे ज्यादा वर्नाकुलर चैनल वाला जो चैनल्स हैं, जिस चैनल के उस पे आप पढ़ रहे हैं, यानी कि सबसे लार्जेस्ट चेन जिस चैनल्स की है उस पे आप पढ़ रहे हैं, इंडिया का नंबर वन चैनल है। ठीक है जी, क्या है रिजल्ट गुरु? तो यहाँ पर जितने भी 18+ चैनल्स चलते हैं, यहाँ पर जितने भी चैनल्स पे क्लासेस चलती हैं, सब का क्या है, सेम ही पैटर्न है, इसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है जी, चलिए बढ़िया, तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बात की पुनर्जागरण सॉरी पुनर पुनरुत्थान कला की, या पुनर्जागरण कालीन कला की। अब हम सबसे पहले समझेंगे भी पुनर्जागरण होता क्या है। सबसे पहले इस बात पर थोड़ा सा हम लोग क्या है आज फोकस लाइट डालेंगे। ठीक है जी, तो फोकस लाइट क्या कह रही है, फोकस लाइट कह रही है कि पुनर्जागरण जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है फिर से जगना, यानी कि कोई कोई है जो क्या है, एक बार जगा फिर सो गया, अब हम उसको फिर से जगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुनर्जागरण यानी कि फिर से जागना। ठीक है, बात करेंगे 14 to 17, ये समय जब था 14 to 17 सदी के बीच का जब ये समय था, तो यहाँ पर क्या हुआ, यूरोप में एक आंदोलन शुरू हुआ, और ये जो आंदोलन था ये संस्कृति और धर्म से संबंधित था, बिल्कुल संस्कृति और धर्म से संबंधित था। देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीधी सी बात आपको समझनी है, अब यहाँ से पुनर्जागरण आंदोलन जो है जब ये शुरू होगा, यहाँ से अब एक प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, वो क्या प्रक्रिया आरंभ होगी, आंदोलन की, यानी कि किसी चीज को डिनाय करना और उसके बाद अपनी कोई चीज है उसको आगे रखना। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पर इससे पहले हमने गौथिक कला के बारे में पढ़ा, मध्यकालीन जब हम चित्रकला की मध्यकालीन कला की बात करते हैं, हमने सबसे पहले उसमें क्या पढ़ा था जी, सबसे पहले हमने पढ़ा
ईसाई धर्म से संबंधित, ठीक है, प्रारंभिक ईसाई धर्म से संबंधित कला हमने पढ़ी थी। दूसरे स्थान पर जी हमने वेंजटाइन कला पढ़ी थी, ठीक है जी, दूसरे स्थान पर हमने वेंजटाइन कला पढ़ी थी। तीसरे स्थान पर हमने गौथिक कला पढ़ी थी, ठीक है जी, क्या पढ़ी थी, गौथिक पढ़ी थी। चौथे स्थान पर हमने रोमनेस्क कला पढ़ी थी, ठीक है जी। तो यही पूरा प्रोसेस है। अब अगर हम बात करें इस पूरी की पूरी एज में हमने क्या देखा था, इस पूरी की पूरी एज में हमने देखा कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक विषय वस्तु है, सिर्फ एक चीज पर फोकस किया जा रहा है, वो था ईसाई धर्म। चाहे हम समाज की बात करें, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था और वो हमें कला में भी दिखाई दे रहा था। चाहे आप स्थापत्य की बात कीजिए, चाहे आप चित्रकला की बात कीजिए, भित्ति चित्रण की बात करिए, जितने भी हमने कलाएं पढ़ी हैं सबका विषय सिर्फ एक था और वो था ईसाई धर्म, है ना। इसी धर्म को सेंट्रलाइज करके हम लोग सब क्या कर रहे हैं, पेंटिंग्स भी बना रहे हैं, स्टैचूज स्कल्पचर्स भी बना रहे हैं, और क्या है, मुख्य रूप से जो स्थापत्य हैं जो किससे संबंधित थे, सिर्फ और सिर्फ चर्च से संबंधित थे, उनका भी निर्माण कर रहे हैं। वास्तुकला की अगर हम बात करेंगे, गौथिक कला की मुख्य रूप से जो वास्तुकला थी, ठीक। अब हुआ क्या, अब यहां से ये थोड़ा सा एक परंपरा आरंभ हो जाएगी। वाई क्यों, वाई क्यों, कि क्यों हम लोग इसको फॉलो करें। भाई मैं नहीं चाहती हूं, प्रीति श्रीवास्तव है ये कह रही हैं कि मुझे इस पे पेंटिंग्स नहीं बनानी है, मेरे घर के सामने एक बहुत सुंदर सा आम का पेड़ है, मुझे उसकी पेंटिंग बनानी है, ठीक है, उस पे बहुत सारी आके कोयल बैठ जाती है, मुझे उनकी पेंटिंग बनानी है, ये बहुत सुंदर है, ठीक है। प्रीति ने ये कहा। अब शबनम आ जाएंगी, शबनम कहेंगी वाय क्यों, मेरे घर के सामने एक बहुत सुंदर सी मस्जिद है, मुझे उसको बनाना है, मैं सिर्फ चर्च ही क्यों बनाऊं, ठीक है। तो भाई आपने वो बनाना शुरू कर दिया, हुआ क्या कि आपने झंडा उठाना शुरू कर दिया, आपने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ से आरंभ हो गया आंदोलन का, विरोध करना आपने शुरू कर दिया। और ये पुनर्जागरण आंदोलन से, यानी कि अगर हम बात करेंगे 14 ईस्वी से, हम देखेंगे ये जो है प्रोसेस पूरा का पूरा शुरू हो जाएगा, और अंत में कब तक चलेगा, ये अभी तक समकालीन तक चलेगा। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे, बारोक शैली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रुकोको के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सारे बाद आ जाएंगे, प्रभावाद आ गया, ये वाद आ गया, वो वाद आ गया। यहाँ पर अब क्या होगा, हम लोग जो हैं एक दूसरे की को क्रिटिसाइज करेंगे कि ये क्या बना रहे हैं, सिर्फ सनलाइट को बना रहे हैं, भी हमें नहीं बनानी, हम तो मून लाइट बनाएंगे। दूसरा कहेगा हम लोग मून लाइट क्यों बनाए, हम लोगों को तो जो प्राकृतिक चित्रण अच्छा लगता है हम तो वो बनाएंगे। यानी कि अब इसके बाद जितनी भी हम कलाओं के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक एक फील्ड को रखा जाएगा, हम उसको डिनाई करेंगे, फिर दूसरा आएगा वो उसको डिनाई करेगा, फिर तीसरा आएगा वो उससे पहले वाले को डिनाई करेगा। यानी कि ये प्रोसेस अब आगे धीरे धीरे चलता जाएगा, जिसकी शुरुआत कहाँ से हो गई है, पुनर्जागरण से आरंभ हो गई है। मुख्य रूप से पुनर्जागरण क्यों शुरू हुआ था, ये इसलिए शुरू हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के बारे में क्यों बात करें, मुख्य रूप से इसी विषय वस्तु के बारे में क्यों बात करें, यानी कि हम सिर्फ जो है जो देवघर है, चाहे वो चर्च है या वट एवर जो है। अब ये भी हम अगर वैसे तो बात करें कि पूरा का पूरा आंदोलन ही चला इस बात पे था कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम चर्चों का जो है चित्र क्यों बना रहे हैं, सिर्फ सिर्फ हम वास्तुकला में इन सब चीजों को क्यों दिखा रहे हैं, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। यानी चित्रकारों ने कहा कि भाई हम बहुत ज्यादा, शासक हमें पैसा दे रहे हैं और हम चर्च के अंदर बहुत सुंदर सुंदर भित्ति चित्र बना रहे हैं, हम बहुत सारे जो खिड़कियां हैं उनको पेंट कर रहे हैं, लेकिन चर्च के बाहर एक लंबी सी लाइन बैठी है, भूखे बच्चे हैं, स्त्री पुरुष हैं, हम उनको खाना नहीं दे रहे हैं, तो ये कौन सी व्यवस्था है, यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पर पुनर्जागरण आंदोलन जो चलाया जाता है, ये किस लिए चलाया जाता है कि धर्म की जब हम बात करेंगे कि धर्म से चीजें निकल कर अब क्या है, सामाजिक चीजें आ जाएंगी, सामाजिक चीजें या संसार के बारे में हम लोग बात करेंगे, मानवता के बारे में हम लोग बात करना आरंभ कर देंगे, ठीक है जी, इनके बारे में हम लोग बात करना आरंभ कर देंगे। यहां से आपको चीजें समझ में आई, ठीक है जी, बिल्कुल। यहां से अब चीजें की करके समझ में आती जा रही हैं कि भाई क्यों शुरुआत हुई, कि क्या रीजन थे, यानी जो सिर्फ और सिर्फ धर्म था इससे बाहर निकल कर भी बहुत सारी चीजें थी, तो इसलिए आंदोलन शुरू हुआ। और ये आंदोलन ऐसा नहीं था कि भाई सिर्फ संस्कृति, यानी कि अगर हम धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, कला की बात करें, सिर्फ ये आंदोलन इसके लिए नहीं था। पुनर्जागरण आंदोलन में अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से सबसे पहले अगर ज्ञान की बात की जा रही है, यानी लोग कह रहे थे कि कम हम क्यों सिर्फ और सिर्फ हम उस बुक को माने जिसमें, ठीक है, हमें भगवान ने कहा कि भाई आपको ये कार्य करने हैं और मैंने ये किया है और आप लोगों के लिए ये शिक्षाएं हैं। उसके बाद हमारे पास मैथ्स की बुक है,
हमें वो भी पढ़नी है, हमारे पास साइंस की बुक है हमें वो भी पढ़नी है, यानी कि धर्म के साथ क्या है, हमें साइंटिफिक रीजंस भी पता होने चाहिए कि वाई क्यों करें हम ये सब, ठीक है। अगर हम बात करें तो पुनर्जागरण काल वो काल था जिसमें बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं, चाहे हम एजुकेशन की बात करें यानी संस्कृति की बात करें, साहित्य की बात करें, साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, आगे हम कला की बात करेंगे, अपने जो बाकी मानवता की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, नए नियम कानून है उनकी बात करेंगे, ऑल इन ऑल पूरे समाज से संबंधित यहाँ पर चीजें आ जाएंगी। ये पूरा एक आंदोलन था, हर एक तबका, हर एक सब्जेक्ट इसमें निहित था, लेकिन मुख्य रूप से जब भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे पुनर्जागरण आंदोलन की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो विकास है वो सिर्फ और सिर्फ चित्रकला का हुआ है। सबसे ज्यादा जो विकास है वो चित्रकला का हुआ है, ठीक है जी। यानी कि जितने ऑल इन ऑल टॉपिक उठाएंगे ना, उनमें सबसे फर्स्ट नंबर जो है, जिसका सबसे ज्यादा विकास हुआ है, वो चित्रकला थी। इसमें यहाँ पर इतनी ज्यादा कला, इतने चित्र और इतने अलग अलग तरह के चित्र बने हैं कि आज अगर हम बात करें, आज ये धरोहरें हमारे पास आज भी हैं। अगर हम बात करें मोनोलिसा है, ठीक है, या फिर पिएटा है, इन सब चीजों की बात करें, ये उसी समय की देन है, कौन से, पुनर्जागरण आंदोलन की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर पारलौकिक और धर्म की बात को छोड़कर अब हम लोग मानवता की बात करेंगे, ठीक है जी। किसकी बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़े, ठीक है जी। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़े, क्योंकि देखिए ये आपको पता होना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा आगे कहानी के बारे में। अब पुनर्जागरण का तो पता चल गया, पुनरुत्थान का पता चल गया, होता क्या है, टाइमिंग भी मैम ने समझा दी क्या रीजन है। अगर हम बात करेंगे पुनरुत्थान कला की, ठीक है, यानी कि पुनरुत्थान वो समय जब क्या है, पुनर्जागरण आंदोलन आरंभ हुआ उस समय पर, पुनर्जागरण काल में जो कला है उसका विकास हुआ, या कला के क्षेत्र में जो कार्य हुआ या जो कला रची गई, उसी को हम पुनरुत्थान कला या पुनर्जागरण कला कहते हैं, ठीक है। यानी जिस पीरियड में जो कला बनाएगी उसी पीरियड के नाम से हम उसको जानते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, जब हम पुनरुत्थान कला की यानी आर्ट ऑफ रेनेसे की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, समय हम डिस्कस कर चुके हैं जी, मुख्य रूप से 1400 से लेकर 1600 ईस्वी तक का जो समय है ये हम देखेंगे। आपको ये भी पता चल गया है, इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ये जो पूरा पूरा आंदोलन का एक काल था पुनर्जागरण का, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आरंभिक पुनरुत्थान कला, बिल्कुल आर्ट ऑफ अर्ली रिनेसे, और इसका समय क्या है, 1300 से लेके 1500 तक का ये समय है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जी कि वाई 1300, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद दूसरी स्टेज जो है ये आ जाएगी एज ऑफ हाई रिनेसे, यानी कि चरम पुनरुत्थान की कला। इस समय पर क्या होगा, आरंभिक में तो आपको वैसे ही पता चल गया कि भाई चीजें, पेंटिंग्स हैं, मूर्तियां हैं, समाज में इनोवेशन हो रहे हैं, अभी वो स्टार्टिंग एज है, ठीक है। अभी बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया है, अभी वो प्ले ग्रुप में है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी उसको सेंटेंसेस बनाना नहीं आते हैं, अभी क्या है, अब बच्चा जो है प्राइमरी सेक्शन में जब तक पहुंचेगा, ठीक है। चरम पुनरुत्थान काल, अगर हम क्या है, आपने जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी बात करें ना, 5 साल तक की, ठीक है, उसकी बात के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, सीटेट का भी कोर्स देखिए हम लोग पूरा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाल विकास की जो बात करते हैं ना, अगर उसकी बात करें तो सेकंड स्टेज क्या है जी, चरम पुनरुत्थान काल है, यानी वो समय जब क्या है, जब हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी कृतियों का हम निर्माण करेंगे, सबसे अच्छी कृतियों का निर्माण करेंगे, यानी जिस कला का निर्माण करना हमने आरंभ किया है वो एकदम अब अपने हाई लेवल पर है। और यहीं पर हम मोनालिसा की बात करेंगे, यहीं पर हम जो है सॉरी माइकल एंजेलो की बात करते हैं, ठीक है। देखिए माइकल एंजेलो 2 कालों से संबंधित रहे हैं, अगर हम पुनर्जागरण जो काल है उसकी बात करेंगे, चरम से भी रहे हैं और उत्तर पुनरुत्थान काल से भी रहे हैं, यानी चरम के बाद जिसको हम क्या कहते हैं, एज ऑफ लेटर रिनेसा, यानी कि उत्तर पुनरुत्थान काल, यहाँ से भी इनका संबंधित रहा है, किसका, माइकल एंजेलो का। यहाँ पर हम इनकी मूर्तियां देखेंगे, ठीक है जी, और इनके चित्र भी कुछ देखेंगे, और यहाँ पर क्या देखेंगे, इनका साहित्य, साहित्य कहिए या कवि के रूप में जो इन्होंने यहाँ पर कार्य किए थे, ठीक है, यहाँ पर हम उनको वो देखते हैं, ठीक है। तो 2 स्टेजेस हैं माइकल एंजेलो से संबंधित, अगर इस तरह का कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही आंसर देना है। चरम पुनरुत्थान काल में हम इनकी कृतियां देखते हैं, और उत्तर पुनरुत्थान काल में क्या देखेंगे, हम एक कवि के रूप में जो इन्होंने रचनाएं की थी उनको देखेंगे, ठीक है जी।
यहाँ पर आपको 3 स्टेजेस के बारे में पता चल गया, नाम पढ़ के ही आपको पता चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या है जी, इसको डिटेल में आपको पता होना चाहिए जी, 0 to 5 है ना, और ये 5 वाला वो है जब तक क्या है, जब तक हमने सेंटेंसेस बनाना सीख लिए हैं बहुत अच्छे से हम लोग, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे मेरी बेटी है, ठीक है, छोटी सी थी जब जाती थी, उसके बाद इस समय पर आके कुछ चीजें वो हमें सिखाते हैं कि मम्मा दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड, दिस इज गुड, ठीक है, तो ये वो समय है कौन सा, जब हमने सीख लिया उसके बाद हमें शिक्षा मिल रही है, ठीक है जी। चलिए, अब आप में से बहुत सारी होम मेकर्स हैं, बहुत सारी, तो वो ये रिलेट कर पा रहे हैं जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है जी। अब हम इसके बाद बात करेंगे कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण, किस किस क्षेत्र में जी, कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण। अब अगर हम बात करें कला के क्षेत्र में, भाई अब सीधा जो है, ऑल इन ऑल पूरी आपको जो टाइम लाइन है पता चल गई, पूरी कहानी पता चल गई, अब हमारे विषय से संबंधित इसमें क्या क्या चीजें हैं उनको पढ़ेंगे, बात करेंगे आरंभिक दौर से, ठीक है जी। मध्ययुगीन युग में जब कला क्या थी, स्वतंत्र नहीं थी, हमें पता है नहीं स्वतंत्र थी, एक ही विषय पर चित्र बन रहे हैं, एक ही विषय पर जो है वस्तुकला का निर्माण हो रहा है, स्थापत्य हो रहा है, सब कुछ एक जैसा हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या कह दिया, हमने कहा कि भाई हमें नहीं, अब हमें कुछ और अलग बनाना है, यानी कि जो धार्मिक बंधनों में जो कला को रखा गया था उससे अब हमें मुक्त होना था, और हम लोगों ने क्या किया, झंडा उठा लिया, हम लोगों ने आंदोलन कर दिया कि भाई हम लोग कला के छात्र हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आयोग में कुछ एक लोग हैं उनके आप पोर्ट्रेट बनाओ, तो हम लोग क्यों बनाए, हम तो एग्जामिनेशन हॉल की पेंटिंग्स में बनाएंगे, हम लोग जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं हमारी, रीता प्रताप हैं, गोस्वामी जी की, इनकी बुक्स को भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने झंडा उठा लिया है, यानी कि क्या कर दिया हमने, आंदोलन आरंभ कर दिया है, विरोध आरंभ कर दिया है कि भाई अब लोग हम क्या करेंगे, हम लोग धर्म से हटकर संसारिक चीजें जो है इनको भी बनाएंगे, वैराग्य के स्थान पर जरूरी नहीं है, भगवान ने क्या कहा, भगवान ने हमें शिक्षाएं दी, उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए क्रूज पर जा रहा हूं, यानी मुझे सूली पर लटका दिया गया ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य है संसार का वो बहुत सुंदर हो, और उस आने वाला जो भविष्य जो आ चुका है, भगवान ने हमें शिक्षाएं दी, उन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, वो हमारे लिए शहीद हो गए हम लोग ये कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो संसार में सौंदर्य है, ऐसा तो नहीं है कि हम उसी चीजों में पड़ जाएंगे कि भाई भगवान ने शिक्षाएं दी हम लोग उनको मान रहे हैं, लेकिन उन शिक्षाओं के आगे जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया था कि संसार में और भी सौंदर्य है, अगर क्या है, पाप है तो पुण्य भी है, अच्छी बुरी चीजें हैं तो अच्छी भी हैं, तो भाई हम लोग क्यों सिर्फ इन्हीं चीजों को दिखाएं कि उस समय पे लोगों ने गलत कार्य किए थे, उनको सूली पर लटकाया गया, ये ठीक है, ये बहुत सही है कि ऐसा हुआ, हम ड्यू टू रिस्पेक्ट उसको भी बनाएंगे, लेकिन उसके बाद जिसके लिए भगवान सूली पर चढ़ गए, और उसके बाद जो संसार में शांति है, उसके बाद संसार में जो सुंदरता कायम हुई, उसको दिखाना भी हमारा फर्ज है, हम उसको दिखाएंगे, यानी इन्होंने कहा कि वैराग्य के स्थान पर अब हम सौंदर्य को भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्या है, अब धीरे धीरे हुआ क्या, ऑल इन ऑल बात करें कि अगर हम बात कर सकते हैं ना कि पुनर्जागरण काल में जो कुछ परंपराएं और नियम हम लोगों के लिए सेट किए गए थे, हमने मना कर दिया, हमने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया कि भाई हमें ये नहीं माननी है, अब हमें क्या है, हम इन सब बंधनों से मुक्त होकर ऑल कला का निर्माण करेंगे, और प्रमुख रूप से जब पुनर्जागरण काल का जब आरंभ होगा, तो इस समय के जो प्रारंभिक चित्र बने हैं उन चित्रों में हमें इस विद्रोह की भी झलक देखने को मिलती है, क्या है, हमने ये भी पेंटिंग्स में बनाया है कि किस तरह से हमने विरोध किया था, हम लोगों ने झंडा उठाया था, यानी वो भी हमें प्रारंभिक पेंटिंग्स में दिखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें सीधे तौर पे क्या है, स्थापत्य कला में पुनर्जागरण कैसे आया, एक एक करके डिस्कस करेंगे भाई क्या क्या चीजें आगे आती जाएंगी। स्थापत्य में जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ गौथिक शैली में सिर्फ और सिर्फ चर्चों का निर्माण हो रहा था, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर पुनर्जागरण आंदोलन के समय पर जो वास्तुकार हैं उन्होंने भी झंडा उठा लिया कि भाई हम क्यों सिर्फ और सिर्फ एक ही शैली के चर्च बनाएं, हम लोग सिर्फ चर्च ही क्यों बनाएं, हम और भी भवनों का निर्माण कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ एक ही चीज जो है उसी को ही कॉपीराइट क्यों देते जाएंगे, ठीक है, हमें कुछ और भी कार्य करना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, और वो संस्कृति कौन सी थी, रोमन और यूनानी, इन्होंने कहा कि भाई जो रोमन और यूनानी जो स्थापत्य था वो भी बहुत सुंदर था, हमें गौथिक से हटकर दोबारा से उस विषय में भी सोचना चाहिए, और उस समय पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिर्फ हम सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, एक ही तरह के कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं,
हमने घर भी बनाए हैं, ठीक है, हमने और कई इमारतें भी बनाई हैं, सार्वजनिक इमारतें भी बनाई हैं, हमें सब कुछ बनाना है। तो कहीं ना कहीं ये भी झंडा उठा लिया इन्होंने, और इन्होंने भी क्या किया, इस तरह की इमारतों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए, अगर हम बात करते हैं तो होगा क्या, जैसे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन आरंभ हुआ था, अब हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने क्या किया था कि पश्चिमी शैली का जो प्रभाव था भारतीय चित्रकला में, उसको हमें कम करना था। और हमने क्या किया, हमने एक आंदोलन चलाया अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और पूरा का पूरा बंगाल स्कूल के जो जितने भी चित्रकार थे, उन्होंने किस तरह की दोबारा से चित्र बनाना आरंभ कर दिए थे, जो अजंता के केव से इंस्पायर थे उस तरह के चित्र बनाना आरंभ कर दिए थे, और साथ साथ में कैसे जो हमारी राजपूत लघु चित्र थे उस तरह के चित्र बनाना उन्होंने आरंभ कर दिए। यानी दोबारा से जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी, प्राचीन सभ्यता थी, उसको हमने अडॉप्ट किया। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर ही हुआ। गॉथिक से पहले, मध्यकाल से पहले, जब रोमन और यूनानी एरा था, ठीक है, उसके बाद अंधकार युग आता है, उसके बाद दोबारा से चीजें आरंभ हो जाती हैं, तो इन्होंने कहा कि हम जो हमारी प्राचीन संस्कृति है और हमारी परंपराएं हैं, हम उसी को ही अपनाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, जो रोमन और यूनानी स्थापत्य था उसको दोबारा से बनाना आरंभ कर दिया। अब यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन में क्या दिखाई देगा, इसके साथ साथ हमें अरबी स्थापत्य जो शैलियां हैं वो भी अब कंस्ट्रक्शन के रूप में हमें दिखाई देंगी। अब यहाँ पर एक नई शैली का जन्म हुआ, उसकी विशेषताएं हम लोगों को दिखाई देती हैं कि भाई बहुत सुंदर सुंदर जो है भवन हमने हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा लगता है जैसे उनका श्रृंगार किया हो, बहुत अच्छे से उनको सजाया गया है। डिजाइनिंग बहुत अलग अलग तरह की देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर गॉथिक शैली का अनुसरण करके सिर्फ और सिर्फ मीनारें बनाई जाएंगी, वो भी कैसी, नुकीली। ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर अलग अलग तरह के हमें डिजाइन देखने को मिलेंगे, विशालता तो हमें साथ में देखने को मिलेगी मिलेगी, और ये जो इमारतें हैं बहुत भव्य भी होंगी, ठीक है जी, बहुत भव्य भी होंगी, सजावट भी होगी, सुंदर सुंदर आकृति भी होंगी। अब यहाँ पर जो नुकीली पहले इमारतें बन रही थी, उनके स्थान पर गोल मेहराब बनना आरंभ हो जाएंगे, और उसके साथ साथ डोरिक, आयोनिक और कॉरिन्थिक, ये क्या थी, ये शैलियां थी स्थापत्य की। एक बार आपने सिर्फ इनको देख लेना है, तो इन शैलियों के प्रयोग से भी जो है वास्तुकला या स्थापत्यों का निर्माण किया जा रहा था, और उसमें चर्च भी बने हैं, और इसमें कई और सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण हुआ था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें चर्च ही देखने को नहीं मिलेंगे। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये आपके सामने एक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी, अब ये कौन सी बिल्डिंग है ये तो पता नहीं, लेकिन सिर्फ उस समय का जो एक एग्जाम्पल आपके सामने है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, देख सकते हैं कि भाई तीन चार इमारतें जो मीनारे हैं वो तो वैसे बनाई गई हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद जरूरी थोड़ी ना सारी की सारी ऐसी बनानी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए। जरूरी थोड़ी ना है कि भाई आपको नुकीले ही बनानी है या एक ही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है इस तरह का। इन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे भी बनाएंगे जो हमारी रोमनस्क कला के समय का था, सॉरी रोम और यूनान में जैसे कंस्ट्रक्शन बनते थे तो वैसे ये बनाए इन्होंने, ठीक है जी। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि भाई हम सुंदर सुंदर खिड़कियां भी बनाएंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि बहुत ही बड़ी बड़ी खिड़कियां बनानी है। जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वहां पर हम बड़ी खिड़कियां बनाएंगे, जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी वहां पर हम क्यों बड़ी खिड़कियां बनाए, हम छोटी खिड़कियां भी बनाएंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि सब पर जो है हमें कलर ही करना है, हमारी मर्जी, हम उसको सिंपल भी रख सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन भी हमें देखने को मिलेंगी, जो क्या है, जो एक पूरा आंदोलन चला उसके बाद अगर हम बात करेंगे वास्तुकला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, तो वहां पर कुछ इस तरह की इमारतें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की बात कर लेंगे अब, जो हमारा टॉपिक है। देखिए पुनर्जागरण काल में सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ है, चित्रकला का हुआ है, हमने इसमें देख लिया है। अब अगर हम बात करेंगे इसमें जो सबसे पहले झंडा उठाने वाले जो कलाकार थे वो कौन थे, वो हमारे चित्रकार थे, और कहाँ के, इटली के, ठीक है जी, इटली के। और इटली ही हमेशा क्या रहा है, केंद्र रहा है कला का, ये आपको याद रखना है। आगे चलकर आगे और जब हम और जब बाद आएंगे और भी कई सारी इस तरह की चीजें आएंगी, वहां पर भी हम देखेंगे ज्यादातर जो कलाकार हैं अभी आधुनिक जब शुरू होगा तो यहाँ पर भी इटली के कई कलाकार हमें देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले जी इटली के जो कलाकार हैं यही हमें देखने को मिलेंगे, और ये क्या करेंगे, ये बाकी दुनिया को मार्ग दिखाएंगे आगे जाने का, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इटली के ही कलाकार थे, इन्होंने ही ये आंदोलन आरंभ कर दिया था। अगर हम इनके प्रारंभिक चित्रों की बात करेंगे, पुनर्जागरण कालीन आंदोलन के प्रारंभिक चित्रों की बात करेंगे, तो यहाँ पर धर्म से संबंधित चित्र बने हैं,
बिल्कुल बने हैं, लेकिन क्या हुआ, ये चित्र सिर्फ चर्चों तक सीमित नहीं रहे हैं, ये क्या है, ये आम लोगों के घर तक अब पहुंच गए थे। इन्होंने कहा कि भाई हम चित्र बनाएंगे, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि वो चित्र हमने सिर्फ चर्च में देने हैं, ये सिर्फ शासक को देने हैं, भाई वो चित्र जो है दिव्या दीक्षित को भी मिल सकते हैं, नीलम को भी मिल सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, फास्ट हो रहा है तो थोड़ा धीरे चलें। ठीक है, देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारा टॉपिक आज कवर हो जाए, क्योंकि उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड कम रखते हैं ताकि आपको समझ में आए। बिल्कुल चेष्टा, बिल्कुल सही कह रही है, अभी आगे इनका नाम आएगा। ठीक है, बिल्कुल, देखिए वाटर है, शिप वाटर है, लेकिन वाटर के ऊपर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही, इसी के अंदर से जाते थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हुआ क्या कि अब यहाँ पर जो चित्र बने, अब उनके लिए ये जो चित्र बने, अब मान लीजिए ऋषि ने चित्र बनाए, ठीक है, ऋषि ने चित्र बनाए और क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई मुझे चर्च में नहीं देने हैं, मैं तो इसको कल्पना गौतम है ये चित्र मैं इनको देने वाला हूँ, कल्पना ने डील की थी कि भाई चित्र बनाओगे तो मुझे देना, मैं अपने घर में लगाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये चित्र जो है किसी और को दूंगा, आपको नहीं दूंगा, यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो चित्र है, जो धार्मिक विषय वस्तु थी, वो सिर्फ चर्चों तक सीमित नहीं रह गई थी, जो इंडिविजुअल्स थे, व्यक्तिगत भवन थे, वहां तक अब ये कला पहुंच गई थी, चाहे हम स्थापत्य की बात करें, चाहे चित्रकला की बात करें। अब अगर हम स्पेसिफिक चित्रों की बात करें तो यहाँ पर मैडोना के चित्र हमें देखने को मिलेंगे, संतों के मिलेंगे, बाइबल के जो संबंधित जो दृश्य हैं वो तो देखने को मिलेंगे मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ की जो कई प्राचीन गाथाएं थी, कौन सी गाथाएं, रोम की, या इसके साथ साथ यूनान की प्राचीन गाथाएं थी, उनसे संबंधित चित्र भी देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, यूनानी और रोम का साहित्य है, यहाँ के भी कई सुंदर सुंदर दृश्य जो है चित्रों के रूप में हमें अब देखने को मिलते हैं। ऑल इन ऑल बात करें, यहाँ पर और कई विषय जो हैं वो समाहित हो गए थे वो चित्रकला के क्षेत्र में। ठीक, अगर हम बात करें अब यहाँ पर आगे कि सबसे पहले जैसा हमने बात की थी कि जियोटो जो चित्रकला के जन्मदाता थे, कब चित्रकला के जन्मदाता थे, हमने देख लिया है गौथिक चित्रकला शैली के समय में। अब 14वीं शताब्दी तक, वैसे तो 14वीं शताब्दी से पहले ही इन्होंने क्या किया, ये 14वीं शताब्दी तक जो है इन्होंने वेंजटाइन शैली से में ये मोजाइक और चित्रों का निर्माण करते रहे। ठीक है, 14वीं शताब्दी तक करते रहे, लेकिन इससे पहले ही इन्होंने क्या किया था, इससे पहले ही इन्होंने यहाँ पर वेंजटाइन शैली से हटकर, धर्म से हटकर कुछ मानव आकृतियां बनाना इन्होंने आरंभ कर दी थी, कुछ प्रकृति के चित्र बनाना इन्होंने भी आरंभ कर दिए थे, लेकिन क्या है भाई, इन्होंने झंडा नहीं उठाया है, इसलिए हम इनको पुनर्जागरण काल की चित्रकारों के रूप में नहीं देखते हैं। इसके बाद अगर मुख्य रूप से बात करें जो सबसे पहले चित्रकार, कौन सी नई शैली जो अब आएगी, और ये नई शैली कैसी होगी जिसमें हमें रोमन और यूनानी चित्रकला या वहां की कला का कुछ समावेश देखने को मिलेगा, तो वो शैली जो है ये इटली में आरंभ हुई थी, और इसको बनाने वाले पहले कलाकार कौन होंगे, तो वो पहले कलाकार हो जाएंगे फ्रेंजिल्को। ठीक है जी, कौन हो जाएंगे, फ्रेंजिल्को, ये पहले कलाकार हो जाएंगे, और इन्होंने 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में इस नई शैली के चित्रों का निर्माण करना आरंभ कर दिया था। इसके बाद 15वीं शताब्दी में इनके बाद जो है मेचेशियो भी आएंगे, वो भी क्या करेंगे, इस शैली के चित्रों का निर्माण करेंगे, और सबसे ज्यादा खासकर जब हम चरम पुनरुत्थान कला की बात करेंगे, उस समय पर विंची आएंगे, और उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रचना थी वो कौन सी है, मोनोलिसा है, और उसके बाद और कौन सी है, दूसरी द लास्ट सफर। ठीक है, तो वो भी थी, ये दोनों कौन से चित्र हैं जो उस समय की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, और वैसे भी बात करें उस समय से लेके आज तक के भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चित्र यही है, और ये किस समय बने हैं, बिल्कुल पुनर्जागरण आंदोलन के समय पर ही ये चित्र बने हैं, ये मोनोलिसा की पेंटिंग है जो विंची ने बनाई है, ये क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है जी, ये भी एग्जाम्पल है इस समय की चित्रकला का। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़े, अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि भाई मोनोलिसा के कितने आयाम में इसको बनाया गया है। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पर इसका जो पार्श्व है, यानी जो उसके पीछे का जो स्थान है, वहां पर किस तरह का चित्र दृश्य दिखाया गया है, तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक दृश्य दिखाया गया है, यानी कि आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, पीछे छोटे छोटे पर्वत जो है, ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेंगे, छोटे नहीं सॉरी ऊंचे पर्वत देखने को मिलेंगे,
पानी का स्रोत जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा, और इनके पीछे लाल रंग का क्या है, हमें एक भाग भी देखने को मिलेगा, भूभाग जो लाल रंग से बनाया गया है। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकला की बात कर लेंगे। देखिए यहाँ के जो चित्रकार हैं उनके बारे में भी हम लोग क्या है कि करके डिटेल से पढ़ेंगे और करेंगे क्या, कोशिश करेंगे इसके बाद जब क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा वहां पर इसको हम डिटेल से देखें। ठीक है जी, तो पुनर्जागरण में मूर्तिकला निर्माण को भी, इनको भी, मूर्तिकला को भी प्रभावित किया। और यहाँ पर पुनर्जागरण काल में सबसे पहले इस शैली की मूर्तियां किसने बनाई है सबसे पहले, तो वो फ्लोरेंस के एक मूर्तिकार थे, दोनों लेतो। कौन है जी? दोनों लेतो, याद रखना है आपको नाम इनका, दोनों लेतो। 1386 के से 1466 के बीच में इन्होंने इस शैली की मूर्तियों का निर्माण किया था। मुख्य रूप से इन्होंने, इनकी जो शैली थी किस तरह की थी, इन्होंने एक अपनी नई शैली को जन्म दिया था, और वो शैली प्राचीन जो यूनानी शैली थी और रोमन मूर्तियां थी, इनको, इनसे प्रभावित होकर हम कह सकते हैं कि इन्हीं की जैसे मूर्तियां बनाने की इन्होंने भी कोशिश की थी। और उनका जो मुख्य विषय रहा है यानी थीम रही है वो था मानव जीवन। क्या था जी? मानव जीवन, यानी कि धर्म से हटकर अब हम समाज की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, चाहे चित्रकला की बात करेंगे चाहे हम मूर्तिकला की बात करेंगे। अब यहां से प्रभावित होकर यहाँ पर जो विषय है वो कैसे हो जाएंगे, अब हमें मूर्तियों में भी खेलते हुए बच्चों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ कई इंडिविजुअल्स हैं, भाई यहाँ पर आपको ऋषि सिंह की भी मूर्ति देखने को मिल जाएगी, रानी वी की भी मूर्ति देखने को मिल जाएगी, अर्चना मिश्रा की भी मूर्ति देखने को मिल जाएगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि कई इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग चेहरे हैं वहां पर हमें मूर्तियों के रूप में अब दिखाई देंगे, जो इससे पहले धर्म विशेष से संबंधित ही मूर्तियां हमें देखने को मिलती थी, उनको रिप्लेस अब आम लोगों ने कर दिया था। ठीक, अगर हम दोनों लेतों की बात करेंगे तो इनकी इस समय की सबसे फेमस जो मूर्ति है वो है बैनेस की संत मार्क। क्या है? बैनेस की संत मार्क। और इसके बाद अगर आप बात करेंगे बैनेस की संत मार्क की, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसको कहा जाता है ये आदम कद की मूर्ति है। ठीक है, क्या है? आदम कद की, आदम कद की ये मूर्ति है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के जो दूसरे प्रमुख है, एक और मूर्तिकार आएंगे जिनका नाम था लोरेंजो गिवर्टी। क्या आ जाएंगे? लोरेंजो गिवर्टी। किसके बाद? दोनों लोतों के बाद। तो ये दो नाम जो है इस समय से संबंधित है मूर्तिकला से। ठीक है, एक बार देख लेना है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों लेतो याद रखने हैं, जो कुछ इस तरह से मूर्तियों का जिन्होंने निर्माण किया था। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेविड की मूर्ति भी बनाई है। ठीक है, और ये पेटा है मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट की मूर्ति। ठीक, ये किसकी है जी? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जब हाई रेंसा काल था, एज था, तो उस समय की बात करें तो ये पेटा है किसकी? माइकल एंजेलो की बनाई हुई मूर्ति, जो इतनी सुंदर है, इसको आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ठीक है जी, आदम कद, दिव्य आदम कद होता है, यानी कि जिसको जो जैसा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट जो है 5.4 इंचेस है। ठीक है, 5 फीट 4 इंचेस आपकी हाइट है, तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि देखने में लगे एकदम पूरा व्यक्ति के समान हाइट है। ठीक है, अभी उससे थोड़ी छोटी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन क्या है, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, आदम कद यानी कि मनुष्य के कद के बराबर पूरी वैसी की वैसी मूर्ति। ठीक है, कोशिश ये की गई है कि जैसी जो भी कोई पर्सनैलिटी हो उनको बिल्कुल वैसा ही व्यक्तित्व और बिल्कुल वैसी ही हाइट में, जितना उनकी क्या है, हम लोग कह सकते हैं डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जैसा वो हो, बिल्कुल। चलिए अब इसके बाद अगर हम पुनर्जागरणकालीन चित्रकला के चित्रकारों की बात करेंगे, सबसे पहले जो महान कलाकार है उनका ही नाम हम लोग लेंगे, लियोनार्डो दा विंची है। ठीक, उसके बाद माइकल एंजेलो है, राफेल आ जाएंगे, फ्रांस हॉल्स आ जाएंगे, वेसेलो टिशियन आ जाएंगे, और उसके साथ जो है ह्यूबर्ट वॉन आइक और इयान वॉन, ये आ जाएंगे, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ऑयल पेंट्स का निर्माण किया था। ठीक है जी, इनको क्या कहा जाता है, इनको इवान बंधु, इवान ब्रदर्स इनको कहा जाता है, वो इसी समय आरंभ हो जाएगा। इसके साथ जो है हॉर्मेज वॉन और राइना रेम्ब्रा, ये सब क्या है, ये पुनर्जागरण कालीन सब चित्रकार हैं, एक बार आपने इनको भी देख लेना है। ठीक है जी, देख लेना इन द सेंस, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चनिंग आती जाएगी धीरे धीरे, मैं कोशिश ये करूंगी कि सबको मैं आपको दिखाती जाऊं, ताकि आपको थोड़ा सा
समझ आ जाए कि कौन चित्रकार कैसा दिखाई देता था। आज तो जो जो है आज तो मैं कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन इसके बाद ये जो सेशन अब आपका चलेगा, यहाँ तक आपको पूरा कंटेंट दे दिया। अब इसके बाद जो है आज हम क्वेश्चन आंसर कुछ करेंगे, उसके बाद परसों जो है पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, जहां पर क्या है पुनर्जागरण जो काल है इससे संबंधित जितने भी हमारे कलाकार आएंगे उनको हम कैसा है डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक और है, ये जो पेंटिंग है ये राफेल ने बनाई है, स्कूल ऑफ एथेंस। मैक्सिमम टाइम इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कूल ऑफ एथेंस किसकी कृति है, देख लीजिए आप राफेल की है, इसको आप देख सकते हैं किस तरह की ये पेंटिंग थी। ठीक, स्कूल ऑफ एथेंस ये आपके सामने है, टाइमिंग क्या है 1509 टू 1511 के बीच में इन्होंने इस चित्र का निर्माण किया था। ठीक है जी, ठीक है प्रभाकर, इसको केवीएस की प्रभाकर, इसका एक पूरा अलग से वीडियो है चैनल पे, उसको आपने चेक कर लेना है। ठीक है, केवीएस का पूरा एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है उसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए अब ये पेंटिंग आपने देख ली, अब उसके बाद एक एक करके पूछे क्वेश्चंस हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है जी, कौन से दो कलाकारों में कुछ महान कार्यों को छोड़ दिया है, आपको दो कलाकारों का नाम बताना है जिन्होंने कुछ महान कार्यों को छोड़ दिया है। आपके पास ऑप्शन ए है लियोनार्डो एंड माइकल एंजेलो, बी ऑप्शन है आपका कोरिजियो एवं टिंटो टेरेटो, उसके बाद सी ऑप्शन है पिकासो एवं बरोक है, और डी ऑप्शन है रफेल एवं रुबेन्स है, कौन है? बिल्कुल ठीक है जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो, इसका राइट आंसर एकदम यही हो जाएगा। देखिए बात करेंगे, ये दोनों ही महान कलाकार थे और ये दोनों ही महान कलाकार अपने जीवन के कुछ महान कार्य करते करते इनकी मृत्यु हो गई। बात करेंगे दोनों जो कलाकार हैं फ्लोरेंस से थे, ठीक है फ्लोरेंस से थे, लियोनार्डो दा विंची भी और माइकल एंजेलो भी, ठीक फ्लोरेंस में, यानी कि इनका जो कार्य क्षेत्र था। बात करेंगे यहाँ के जो राजा थे फ्लोरेंस के राजा, इन्होंने इन दोनों को एक कार्य दिया था, पहले विंची को दिया था, सॉरी विंची को भी दिया था और माइकल एंजेलो को भी दिया था। अब इन्होंने ये कार्य दिया था कि जो फ्लोरेंस पूरी जो नगर था इनकी जो विजय थी, विजय की जो गाथाएं थी, या इन्होंने कई युद्ध किए थे और कई जो युद्ध इन्होंने जीते थे, तो इन्होंने कहा था कि भाई आपको उस पर भित्ति चित्र बनाने हैं। ठीक है जी, इन्होंने कहा था आपको उस पर भित्ति चित्र बनाने हैं, लेकिन हुआ क्या, दोनों ने कार्य आरंभ किया था, विंची ने भी और माइकल एंजेलो ने भी, लेकिन दोनों के साथ ये इंसिडेंट हुआ कि दोनों जो है इन्होंने कार्य तो आरंभ किया था लेकिन उससे पहले ही इन दोनों की मृत्यु हो गई। ठीक है, विंची की भी और माइकल एंजेलो की भी, तो इन दोनों के ही ये कार्य अधूरे रह गए थे। सेकेंड क्वेश्चन है, सिस्टाइन चैपल की भित्ति चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे, किसने बनाए थे, विंची ने बनाए थे, माइकल एंजेलो ने बनाए थे, बोतिचेली ने बनाए हैं, बोतिचेली या राफेल किसने बनाए हैं, कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। जी वो बाय डिफॉल्ट हो गया, ठीक है जी चलिए बिल्कुल इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइकल एंजेलो, है ना, माइकल एंजेलो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिस्टाइन चैपल ये पूरी छत जो है इसके जो भित्ति चित्र है माइकल एंजेलो ने बनाए थे, लेकिन इसको बनाने के लिए भी ऐसा नहीं था कि जी इनको शासक ने बोला और इन्होंने जाके भित्ति चित्र ही बना दिए। देखिए 1508 से ही वहां के एक पोप थे जिनका नाम था जूलियस द्वितीय। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले पूछा जा चुका है कि किसने विरोध किया था। ठीक है, यहाँ पर चित्रों के भित्ति चित्रों के निर्माण में किसने पहले विरोध किया था, तो जूलियस द्वितीय थे, इन्होंने पहले विरोध किया, ये पहले मना करते थे कि भाई यहाँ पर कोई भित्ति चित्र नहीं बनाया जाएगा, ये क्या है, ये भगवान का घर है, यहाँ पर कोई इस तरह का कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके साथ जो है बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, इनको बहुत माना, इसको बहुत इनको बहुत मनाया गया, एट दी एंड ये मान गए और यहाँ पर जो है भित्ति चित्र बनाना आरंभ कर दिए माइकल एंजेलो ने, और ये 1512 में, ठीक है 1512 में यहाँ का जो पहला भित्ति चित्र था वो इन्होंने पूरा किया था। अब आप सोच सकते हैं कि 4 से 5 साल लग गए इनको, है ना, लगभग 3 से 4 साल लग गए उनको बनाने में, उसके बाद कुछ समय इनको भित्ति चित्र बनाने में लग गए होंगे। ठीक है, तो किसने जो है पहले डिनाई कर दिया था, ये पोप थे जूलियस द्वितीय,
आपने नाम इनका याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो माइकल एंजेलो के यहाँ पर जितने भी भित्तिचित्र इन्होंने बनाए हैं यहाँ पर सिस्टाइन चैपल में, उसमें दुनिया का निर्माण सबसे ज्यादा, ठीक है, दुनिया का निर्माण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भित्तिचित्र रहा है। उसके साथ साथ जो है अंतिम निर्णय, ठीक है, लास्ट जजमेंट, ये चित्र जो है ये भी बहुत प्रसिद्ध रहा था। दोनों की दोनों किस तरह के हैं, भित्तिचित्र हैं, किसने बनाए हैं, माइकल एंजेलो ने बनाए हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद 1564 में इन्होंने एक ये क्रूसारोपण, यानी कि यहाँ पर क्या था, जो भगवान ईसा मसीह जो है उनको जब क्या है वो क्रूस को ढो के लेके जा रहे थे और उस बाद में उनको क्रूस पर क्या है लटका दिया जाता है, तो इससे संबंधित एक संगमरमर की मूर्ति बनाने जा रहे थे, एक मूर्ति का निर्माण करने जा रहे थे। और इसी बीच में क्या हुआ, प्लानिंग कर रहे थे, कुछ तैयारियां उन्होंने कर ली थी और उसके बाद क्या हुआ, इनको जॉन्डिस हो गया, ठीक है जी, इनको जॉन्डिस हो गया, जिसको क्या कहा जाता है, मंद गति का बुखार। और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है इतना ज्यादा बढ़ गया कि बाद में उसी से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है जी, उसी से इनकी मृत्यु हो गई थी और ये कार्य भी अपना ये पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक। चलिए अब ये सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र हैं, आप देख सकते हैं जो किसने बनाए हैं, माइकल एंजेलो ने बनाए हैं। और यहाँ पर माइकल एंजेलो के द्वारा बनाए गए 300 से ज्यादा भित्ति चित्र हैं, लगभग 300 से ज्यादा माइकल एंजेलो के बनाए गए भित्ति चित्र हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ये भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह के ये भित्ति चित्र बनाए गए हैं, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन है, रूबेंस है, टिशियन है, अली रजा है या ड्यूरर है, कौन है बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार हैं। बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार हैं और ये जो भी है इसी काल से हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके सामने है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे भाई, कौन है जो बाल जो है बहुत सुंदर बनाते थे, ठीक, कौन हो जाएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने पढ़ा है उनका आंसर सही है, कौन है, ड्यूरर हो जाएंगे। देखिए बात करेंगे, इनका पूरा नाम था अल्बर्ट ड्यूरर, ठीक है, अल्बर्ट ड्यूरर इनका पूरा नाम था, कहाँ से थे, हंगरी से थे, हंगरी से आकर ये नूर्नबर्ग में रहते थे, वहीं के स्थायी निवासी बनकर भी रहने लगे थे, वहीं कहीं इन्होंने क्या कर ले लिया था, वहीं का इन्होंने बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले लिया था, ठीक है जी। तो हुआ क्या, 1512 में इनको यहाँ का राजकीय चित्रकार घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद अब जब राजकीय चित्रकार घोषित कर दिया जाएगा तो इनको राजकीय संरक्षण भी प्रदान होगा। उसके बाद इन्होंने काफी सारे चित्रों का निर्माण किया था, और वो कौन कौन है, गुलाब के हारों वाली मेडोना है, चिकित्सकों के मध्य ईसा, और ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्री श्री 1008 वाला है, इस पे आपने टीका लगा देना है। उसके बाद संत माइकल वे है, ये भी पूछा गया है, ड्रैगन का युद्ध है, आदम और ईव है। देखिए आदम और ईव से संबंधित कई चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अब आपने यहाँ पर देखना है किस किसने ये चित्र बनाए हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर ऑप्शंस में आपको अलग अलग नाम आएंगे, आपको सिर्फ उनमें से एक नाम चूज करना है जिसने भी ये चित्र बनाए हैं, ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से देखना है। माइकल एंजेलो जाने जाते हैं कला समीक्षक के रूप में, ग्राफिक कलाकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में या काष्ठकार के रूप में, किसके रूप में ये जाने जाते हैं। निहारिका, देखिए बनाते बनाते चित्र को बनाते बनाते, अब चित्र को बनाते बनाते देखिए से तो बहुत सारे चित्रकार हैं, ठीक है, किसी ने अपने आप को गोली मार ली है, किसी को कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चित्रकार हैं, मैं किस किस का नाम यहाँ पर आएगा, ठीक। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, मूर्तिकार, माइकल एंजेलो जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको पहले ऑप्शंस में देखना है कि आपको क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको क्या आंसर लगाना है। तो अगर इन ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पर मूर्तिकार इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें माइकल एंजेलो की, तो ये क्या है, ये एक इटालियन चित्रकार थे, वास्तुकार थे, और साथ साथ में इन्होंने क्या किया है, उच्च पुनर्जागरण युग में, यानी कि हाई सॉरी हाँ हाई रेनेसा ईयर में इन्होंने क्या है, ये एक कवि भी थे। मैंने शायद आपको ये लेटर रेनेसा ईयर बताया, ठीक है गाइस, इसको आपने थोड़ा सा ठीक कर लेना है, क्योंकि उसमें भी इन्होंने कुछ कृतियों का निर्माण किया था, ठीक है, इसको इसको हम लोग एक बार चेक करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग एक बार चेक करेंगे, लेकिन अगर पूछा जाए तो ठीक है जी, उच्च पुनर्जागरण काल ही आपने लगाना है, क्योंकि मे भी शायद उन्होंने वहां से आरंभ कर दिया था,
ठीक है, इसको एक बार फिर भी मैं चेक करके फिर आपको बताऊंगी। इसके बाद जो है ये कहाँ से थे, फ्लोरेंस जो है गणराज्य जो है वहां पर ये पैदा हुए थे। चाहे इनकी बात करें चाहे वेंची की बात करें, हम लोग देख चुके हैं दोनों वहीं से थे। सॉरी, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध दो मूर्तियां हैं कौन कौन है, एक तो पियटा है और दूसरा कौन है, डेविड है। पियटा मैं आपको दिखा चुकी हूँ, डेविड मैं आपको दिखा नहीं सकती, आपको पता है क्यों, आप लोगों ने खुद देख लेनी है, मैक्सिमम ने देखी भी होगी। अभी हम एज अ मूर्तिकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो मूर्तियों के रूप में इनको देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी मूर्तियां बनाई हैं। पियटा और डेविड बनाई हैं, और डेविड जो इन्होंने मूर्ति बनाई थी, इन्होंने कब बना दी थी, जब ये 30 साल के भी नहीं थे, उससे पहले ही इन्होंने ये मूर्ति बना दी थी। और जब ये आप मूर्तियां देखेंगे, जैसे पियटा तो आपने देखी है, अगर ये सब मूर्तियां देखेंगे तो इनको देख के कोई लगता नहीं है कि इस एज के किसी कलाकार ने ये मूर्ति बनाई होगी। बेनिस का राफेल किसे कहा जाता है, ये टिशिया को कहा जाता है, पाउलो को कहा जाता है, जॉर्जियान को कहा जाता है, या टिंटेरेटो को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? रवि, बिल्कुल जी, बिल्कुल फुल क्लास मिलेगी। ठीक है, उनके तीन इंग्लिश में भी बता दिया करिए। ठीक है जी, कोशिश करूंगी। देखिए अफशा, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैं इनको ट्रांसलेट क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि आप जब भी इसको ट्रांसलेट करेंगे ना, उसके इतने जहरीले नाम आते हैं। यानी कि जैसे कि बात करें, मैं कुछ ट्रांसलेट कर रही थी, उसमें था, उसमें किसी मुद्रा की बात आ रही थी, ठीक है, और जब मैंने उसको ट्रांसलेट किया तो उसका आ रहा था मॉन्स्टर मनी। ठीक है, ये दो तीन चीजें कुछ ऐसी थी बाद में कि भाई गलत बताने से अच्छा है एक ही चीज बताऊं, क्योंकि ऑप्शंस में आपके पास दोनों के पास रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। ठीक है जी, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसने बी आंसर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इनका नाम है पाउलो बोरोनीज, और ये बोरोन के रहने वाले थे, इनको इसलिए बोरोनीज कहा जाता था, वेरोना के रहने वाले थे। बात करेंगे बेनिस का राफेल जो है किसको कहा जाता है, पोला बोरोनीज को कहा जाता है। इनका रियल नेम क्या था, इनका रियल नेम था पोलो कालियारी, इनका पूरा नाम था रियल नेम, लेकिन ये बोरोनीज के थे तो इसीलिए, सॉरी, ये वेरोना के थे इसीलिए इनको बोरोनीज नाम से ज्यादा जाना जाता है। इसीलिए अपने स्थान की वजह से जहां पर रहते थे उसी स्थान के नाम को इनके आगे लगा दिया गया, और इसी नाम से ज्यादा फेमस थे। इनकी जो पेंटिंग्स हैं ये ज्यादा फेमस थी क्यों, इनको क्यों कहा जाता है कि भाई बेनिस का राफेल इनको क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जितनी भी जो पेंटिंग बनाई है उसमें मुख्य रूप से जो फेसेस है, जो इन्होंने मुखाकृतियां बनाई हैं, वहां पर क्या है, वहां पर इन्होंने एक्सप्रेशन तो नहीं दिखाए हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा इन्होंने क्या किया है, वहां पर जो एक्सप्रेशन है उनसे ज्यादा जो रंग है, रंगों का प्रभाव अधिक दिखाया है, जिसकी वजह से इनके जो चित्र है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते थे। अगर हम बात करें इनके दो विशेष जो प्रमुख चित्र थे जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, वो कौन कौन है, काना में वैवाहिक भोज, और दूसरा है ईसा का अंतिम भोज। ठीक है, यानी कि क्या था, लास्ट सफर है ना, ईसा का अंतिम भोज, ये तो बता सकती हूँ। ठीक है जी, ये तो सबको पता है, और किस किसने बनाई है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेल रंगों का आविष्कार किसने किया, बेलिनी बंधुओं ने किया है, पोलो वेरोनोज ने सॉरी वेरोनीज ने किया है, वॉन आइक बंधुओं ने किया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, किसने किया है? ओके, वो कौन कौन से चित्र हैं? ठीक है निहारिका, बिल्कुल बताएंगे, इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी ये आपके दो सेशन जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर के इसी तरह के चलेंगे। ठीक है, तो आगे जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग ये डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है जी, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। वॉन आइक बंधु क्या है, वॉन आइक ब्रदर्स इनको कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले रंगों का, कौन से तेल रंगों का इन्होंने आविष्कार किया था, ऑयल पेंट्स का। कहाँ पर, ये हॉलैंड के निवासी थे, कहाँ के जी, हॉलैंड के थे। अगर जो आइक बंधु हैं, आइक ब्रदर्स हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है ह्यूबर्ट वॉन आइक, और जॉन वॉक आइक इनका पूरा नाम था। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने ऑयल पेंट्स का आविष्कार किया, और उसको पहले इन्होंने लगाया किस पर, ये अगर हम बात करें, इन्होंने चित्र का निर्माण किस पर किया, तो उसके लिए इन्होंने
एक खुरदरा धरातल लिया, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि जो तेल चित्रों का निर्माण जो है किस आधार पर किया गया था, तो खुरदरे आधार पर किया गया था। और इसको इन्होंने बनाया किससे था, तो ब्रिसल और सेवल के जो बाल होते हैं, सेवल क्या है, नेवला होता है, ठीक है जी, उसके बालों से, एक एक हिरन भी होता है और एक क्या है, एक नेवला होता है, उसके बालों से जो ब्रश बनाया जाता है मुख्य रूप से उसी का यूज करके जो है ये तेल चित्र जो है बनाए जाते थे, क्योंकि इसके जो बाल होते हैं सेवल के ये बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, खासकर जो मेल नेवला होता है इनका, सेवल जो ब्रीड होती है इसका, तो ये जो है बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं अगर आज की डेट में लेने हो ये ब्रशेस आपको, तो ये ऑयल पेंट्स के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। और क्या किया जाता था, इन्हीं को यूज करते थे ये ऑयल पेंट्स के लिए, और उसके बाद ये इसके ऊपर क्या करते थे, जब ये ऑयल पेंट का ये पूरी की पूरी पेंटिंग सूख जाती थी तो उसके ऊपर ये वार्निश भी करते थे, क्या करते थे, वार्निश करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिस्टाइन चैपल की छत किस देश से संबंधित है, रूस, भारत, रोम या जर्मनी, किससे संबंधित है, सिस्टाइन चैपल की छत किस देश से संबंधित है, रूस, भारत, रोम या जर्मनी, किससे संबंधित है। जी, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रोम। कहाँ पर, रोम, और कौन सी रोम में भी, कौन सी जगह पे, वेंटिकन सिटी में, माइकल एंजेलो ने वेंटिकन सिटी, रोम, रोम मतलब इटली में भी, ठीक है, रोम इटली में सिस्टाइन चैपल की जो छत है उसमें ही क्या किया था, जो फ्रेस्को भित्ति से यानी कि भित्ति चित्रों का निर्माण किया था। अभी ये जितने भी भित्ति चित्र बनाए हैं, ठीक है, इस ये जो है जो पवित्र होली बुक है वहां से, वहां पर जो भी करेक्टर्स हैं, जो भी कहानियां हैं, उनके आधार पर ही इन्होंने चित्रों का निर्माण किया था। और मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 300 से ज्यादा अधिक चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। अब इनके कुछ चित्र उसमें से देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो यहाँ पर इन्होंने भित्ति चित्र बनाए हैं, मानव का निर्माण है, आदव का निर्माण, ईव का निर्माण, और इसके साथ मोह और पतन है, लूर का बलिदान है, अंतिम न्याय, लास्ट जजमेंट, ये सारे जो भित्ति चित्र हैं ये इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। वीनस ऑफ अरबाइनो का चित्रकार कौन है, कौन है जी, ये जीरो जियोन है, पीटर पॉल रुबेंस है, पॉलिक्लिट्स है या टिशियन है, कौन है, कौन है, वीनस ऑफ अरबाइनो का चित्रकार कौन है। 125, ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे जो है, क्योंकि कल जो हमारी क्लास हुई है सबके तोते उड़े हुए थे वहां पर, जो अभी तक हम पूरा कर चुके हैं वहां से भी आप लोग भूल जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, जैसे कि कल, पिछले कल हमारा सेशन हुआ है, ऐसे ही अब नेक्स्ट सेशन आपके चलते रहेंगे, ठीक है। अभी 3-4 दिन लगातार आपके यही सेशन चलेंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, कौन से जो हम लोग कर चुके हैं, और कुछ नई लैंग्वेजेस में कुछ नए क्वेश्चन जैसे कल थे वैसे ही आपके सेशन जो है 3-4 चलते रहेंगे। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा टिशियन, रूबेंस किसने कहा भाई, बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, टिशियन। देखिए टिशियन का जन्म 1485 में वेनिस में हुआ था। और अगर हम बात करें जो आधुनिक कला के जो चित्रकार थे, उन चित्रकारों में इनका नाम भी लिया जाता है, यानी आधुनिक कला की जब बात की जाएगी तो उनके जन्मदाताओं में इनका नाम भी लिया जाता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग बनाई है एक बार वो देख लेते हैं, पवित्र और अपवित्र प्रेम है, कुमारी का स्वर्गारोहण है, यूरोपा का शील भंग है, वीनस ऑफ उर्वेनो और कांटो का ताज, ये सब क्या है, ये इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। इटली में 15वीं सदी की कला को क्या कहा जाता है, अंतिम गॉथिक, वेंजेटाइन, पूर्व पुनरुत्थान काल या चरम पुनरुत्थान काल, ध्यान देना है, इटली में 15वीं सदी की कला को क्या कहा जाता है। हाँ, इसीलिए अब करेंगे क्या, इसीलिए अब डिसाइड कर लिया भाई कि ज्यादा अच्छा जो है ना, इतना मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ उसके बाद भी जी सबके तोते उड़े हैं। हाँ बिल्कुल, दूसरे का देख के तो लगाना ही नहीं है, ठीक है, होता है ना, दूसरे की थाली का खाना हमेशा ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, ठीक, तो वो काम नहीं करने हैं। क्या है जी राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या है, पूर्व पुनरुत्थान कला, पूर्व पुनरुत्थान कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेंगे, वैसे तो हम देख चुके हैं 15वीं सदी की कला को पूर्व पुनरुत्थान कला कहा जाता है, पूर्व सॉरी पूर्व पुनरुत्थान कला कहा जाता है। यहाँ का अगर हम गौथिक चित्रकला शैली का भी प्रसिद्ध केंद्र मानेंगे तो कौन है, केंद्र इटली ही था,
कल भी मैंने आपको बताया था, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे फ्रांस है, बिल्कुल फ्रांस नहीं है। कल मैं आपकी आपको पूरी कहानी बता चुकी हूँ। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इटली का जो पुनरुत्थान हुआ था, ठीक है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन सी? 15वीं का। इससे पहले तो प्रारंभिक था, उसकी बात अब हम नहीं करेंगे। अब करेंगे जो 15वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध, यानी कि 15वीं शताब्दी और उसके बाद, तो यहाँ पर क्या था? हाई रेनेसा और लो रेनेसा, इसको दो भागों में हमने बांटा था, ठीक है जी। प्राइमा वेरा क्या है? ये एक मूर्ति है, एक चित्र है, एक उपन्यास है, एक भवन है। क्या है प्राइमा वेरा? क्या है? एक मूर्ति, एक चित्र, एक उपन्यासकार और एक भवन। बिल्कुल कोई बात नहीं पूनम, बार बार जब चीजें को देखेंगे, बार बार इनको रिपीट करेंगे, ठीक है। अब क्या है, इसलिए सोच रहे हैं आगे बढ़ने से पहले आपका पूरा रिवीजन सेशन किया जाए। अगर ज्यादा लंबा गैप हो जाएगा तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए पूरा का पूरा रिवीजन सेशन चलेगा आपका, ठीक है। और एक दूसरे को देखकर आंसर नहीं देने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक पेंटिंग है। क्या है जी? प्राइमा वीरा एक पेंटिंग है। अगर हम बात करेंगे ये पेंटिंग बनाई किसने है, तो सैंड्रो बोतिचेली की ये बनाई हुई पेंटिंग है। और ये कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? ये भी इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। याद रखना है कौन से चित्रकार कहाँ से संबंधित हैं। अगर हम बात करें, इन्होंने क्या है, प्राइमा वेरा और वीनस का जन्म, ये दो पेंटिंग्स इन्होंने बनाई थी जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी। अगर इसमें से भी हम प्राइमा वेरा की बात करेंगे, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या है, बसंत माह का चित्रण किया गया है। किसका है? बसंत माह का चित्रण किया गया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्राइमा वेरा किससे संबंधित है, तो यहाँ पर क्या है, ऋतु से संबंधित है। हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर बसंत माह का चित्रण किया गया है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोनोलिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया? माइकल एंजेलो के द्वारा, लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा, राफेल के द्वारा या रेम्ब्रा के द्वारा? किसके द्वारा ये बनाया गया था? जब बहुत ज्यादा टेंशन हो तो सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। जब बहुत ज्यादा टेंशन हो तो सब कुछ छोड़ दो रानी, जो चीज है वही छोड़ दो, फिर दोबारा सोचो ठंडे दिमाग से। अब उसके बाद करना क्या है, जब व्यक्ति टेंशन में होता है तो उसके डिसीजन सारे गलत होते हैं उस समय, ठीक है। चलिए करेंगे क्या, ये आज का सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं इनको हम जो है अभी एक दो दिन में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे मैं बीच बीच में आपको सारे क्वेश्चंस कराती जाऊंगी, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है इसका, सबको पता है, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। अगर हम बात करें मोनोलिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, विंची के द्वारा बनाया गया है। इनकी जो सबसे फेमस पेंटिंग्स हैं उनमें सबसे ज्यादा यही है। मोनोलिसा का चित्र किसका है, ठीक है, किसका है भाई, किसने बनाया है? बनाया तो विंची ने है। अब आप लोग ये बताएंगे कि ये चित्र है किसका है जी, इतने इजी क्वेश्चन। हाँ देखिए, इजी क्वेश्चन ना, चार पांच क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन इजी देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? ठीक है, जिनके गलत जा रहे हैं उनको थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं ये सही हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपने एग्जामिनेशन में भी देखा होगा, चार पांच क्वेश्चन जो है वो तो उड़ा देता है, उसके बाद एक क्वेश्चन एकदम बहुत सिंपल सा आएगा, ठीक है। उसको देख के थोड़ी सी जान आती है, चलो ठीक है अभी भी हम लोग जीवित हैं, सांस आ रही है। चलिए देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करेंगे जो मोनोलिसा है, ठीक है, ये फ्लोरेंस के एक अधिकारी थे, इनके फ्रेंड थे, इनके जानने वाले थे, किसके, विंची के एक अधिकारी थी। उनकी पत्नी का इन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया था, ठीक है। उनकी पत्नी थी उस समय, फ्लोरेंस के एक अधिकारी थे, उनकी पत्नी थी, उनका उन्होंने एक चित्र बनाया था। और वो बाद में चलकर जी इनकी जो महानतम कृतियां हैं, जो मोनोलिसा के नाम से प्रसिद्ध हुई, ये इनकी क्या है, इनके फ्रेंड की वाइफ का इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था। वो एक अधिकारी थी, कहाँ के, फ्लोरेंस के अधिकारी थे। और मोनोलिसा सबसे ज्यादा फेमस किस लिए हुई, इनकी जो एक बड़ी रेयर सी जो मुस्कान है, यानी कि जिसको क्या कहा गया है कि एक रहस्यमय मुस्कान के साथ मोनोलिसा आपको यहाँ पर दिखाई देती है। अब इससे संबंधित, अगर इस पेंटिंग से जो आपने कहा ना कि बहुत इजी है, अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पर कौन से रंग का टोन में यहाँ पर कलर किया गया है, तो मोनोलिसा के चित्र को लाल रंग के टोन में बनाया गया है। इसकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वहां पर प्राकृतिक दृश्य है। इसको कहाँ पर संरक्षित किया गया है, तो इसको पेरिस के लून जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, वहां पर इसको संरक्षित किया
गया है। बिल्कुल ठीक है जी, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। ठीक, चलिए जी, हाँ जी। अब इसके बाद देखिए बाकी भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको हम बाद में करेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद कल सुबह 10 बजे हमारी कौन सी क्लास है जी? कल हमारी हरियाणा एग्जाम पे कल सुबह 10 बजे, जिसमें हम क्या है मंदिर स्थापत्य कला देख रहे थे, ठीक है जी, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है द्रविड़ सॉरी जो बात करेंगे हम दक्षिण की जो बाकी वास्तुकला है उसके बारे में बात करेंगे, और कल शाम को टॉप 25 क्वेश्चन रहेंगे, आपका रिवीजन सेशन है, ठीक है। कल शाम का जो सेशन है जैसा पिछले कल था, टॉप 25 क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम लोग डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है गाइस। तो आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं, ठीक, आज का सेशन यही एंड करते हैं। जी बिल्कुल, वैसे टाइम ज्यादा हो गया ना, ठीक है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, कल मिलेंगे सुबह 10 बजे, और तब तक के लिए कीप स्टडी, बाय बाय।